हाँ, मेरा नाम, नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कमल टावरी है और हम लोग अभी बैठे हुए हैं ये अरविंद जी दरमोड़ा, जो इनके पास में 300 विद्यार्थी के करीब है और इनके 20-25 PhD के विद्यार्थी रहे। हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर उत्तराखंड को विश्वगुरु बनना हो तो उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड का युवा, जड़ी बूटी, पानी, सोच, संस्कृत, धार्मिक स्थल, गंगा यमुना, ये सबको लेकर जो क्षमताएं छुपी हुई है, हमने किताब अभी निकाली है, मार्केटिंग द अनमार्केटेड। अब हम ये चाह रहे हैं कि अब हम कल हमने पचौरी जी, एक प्रोफेसर है, उनको रिक्वेस्ट किया है कि मार्केटिंग द अनमार्केटेड उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड के जो 90-95 ब्लॉक्स हैं उन सब गांव की, ब्लॉकों की अपनी अपनी विशेषता है। तो हम चाह रहे हैं यहाँ पर जरा सा धर्मोड़ा जी और चौहान जी बोले कि कल की गोष्ठी कैसी रही और जो लोग स्वाभिमानी लोग आए थे, जिन्होंने एक ग्रांट के बगैर लाखों पेड़ लगाए हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जवान लोग हैं, नौकरी छोड़ छोड़ कर आए हैं, वो लोग कितना हमको गर्व है उनके ऊपर में। तो जरा सा इनका थोड़ा रिकॉर्ड कर ले, फिर मैं बाद में और बोलूँगा। हाँ, दरअसल कल एक मानव विज्ञान विभाग की ओर से एक संगोष्ठी हुई थी जिसमें यह कहा गया था जो लोग बिना सरकार के मदद के, जिन्होंने स्वावलंबन के मॉडल प्रस्तुत किए हैं पर्यावरण पूर्वक, भिखारी पर नहीं और मांगने अपने आप ही उन्होंने, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने की इस तरह के प्रोडक्ट, हिमालय के प्रोडक्ट तैयार किए, हाँ। कि 1 करोड़ रुपए से अधिक की साल भर की टर्नओवर और 300-300 लोगों को रोजगार दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है महिलाओं को उन्होंने रोजगार दिया है और महिलाओं का स्वास्थ्य भी बहुत बढ़िया हुआ है। तो इस तरह के कार्यक्रम को एक सम्मानजनक एक मंच बनाने का भी यहाँ पर टावरी साहब के निर्देशन में एक प्रयास किया गया है कि ऐसे मॉडल यहाँ पर बने और इनको आगे बढ़ा के, मतलब 20 है 20 के 40 हो जाए, 40 के 100 हो जाए, इस तरह से एक श्रृंखला बढ़ाने की बात, तो अपवादों का अभिनंदन की श्रृंखला है और ये श्रृंखला लगातार आगे बढ़ती जा रही है और अभी भी ब्लॉक ब्लॉक पे करना है। चौहान साहब, कल के बारे में थोड़ा हो गया। अच्छा, अभी मैं दो चीज़ और बोलूँगा कि अभी एक इरमेल जी जर्मनी से आई हुई है हमारे साथ, उन्होंने ये किताब लिखने में बड़ा मदद दिया कि भाई मार्केटिंग द अनमार्केटेड, तो वो भी इसमें इंटरव्यू में बोलेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का भविष्य का रूप क्या होना चाहिए, किस दिशा में एंथ्रोपोलॉजी बढ़ना चाहिए, तो उनको बोलना, उनसे रिकॉर्ड करवा लेना। दूसरा पॉइंट ये है कि अपने एक दमदार है अपने ग्रामवासी जी, ग्रामवासी जी का एक सोच है गाँव के, उनका एक रेपुटेशन है, उनका एक त्याग है। तो कल हमने कमिटी बनाई है ग्रामवासी जी की, प्रमुख उसके वो प्रमुख है, लेकिन अभी हमको 10-15 ऐसे सहायक प्रमुख बनाने कि पेड़ों में धंधा कैसे बढ़े, गाय में धंधा कैसा बढ़े, बेरोजगारी में कैसे धंधा बढ़े, निर्यात में कैसे बढ़े, गांव जो खाली हो रहे उनमें धंधा कैसे बढ़े, पानी का धंधा, पर्यटन का धंधा, मछली का धंधा। तो क्या हम ये 90 ब्लॉक में 95 ब्लॉक में 1,000-1,000 लोगों का नियोजन रोजगार का, पेड़ में, पानी में, जड़ी बूटी में, गाय में, निर्यात में, सिक्योरिटी में, छोटे छोटे ग्राम उद्योगों में, यहाँ कोई बड़े बड़े उद्योग चलने वाले नहीं, वो सारे सब्सिडी लेकर भाग जाएंगे और पहले भी भाग गए। तो अपने को ग्रामोद्योगों को पकड़ना पड़ेगा और इसके लिए विलेज प्लान, ब्लॉक का प्लान, और आपदा होगी, हम सब मरेंगे अगर हमने प्रकृति के साथ न्याय नहीं किया। क्यों भाई, जरा आपदा पर बताओ थोड़ा सा, क्या क्या मत है आपका, उत्तराखंड कितना खतरनाक है आपदा के लिए? उत्तराखंड, दरअसल पूरा उत्तराखंड जोन 4 और जोन 5 में अधिकतर इसका भूभाग है जिसमें बड़े भूकंप की संभावनाएं हैं, लैंडस्लाइड यहाँ पर बहुत आता है और कम से कम कई हर दशकों में एक बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पर आता है। और सबसे बड़ी बात आपदा में पहले परंपरागत रूप से था कि आपदा का प्रबंधन गाँव वाले पहले स्वयं करते थे, सरकार नहीं करती थी, उसमें इतने स्वावलंबी होते थे प्रबंधन का, लेकिन अब की प्रक्रिया में आपदा के लिए लोग सरकार पर डिपेंड हो गए, ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो गया है कि आप आपदा कहीं आती है तो गांव वाला ये कहता है सरकार मदद करेगी, पहले जब आपदा आती थी तो गांव वाला अपना प्रबंधन स्वयं करते, कुछ सरकारों ने भी भिखारी बना दिया है।